ट्रेन में कि हवा आती है और विदाउट यूजिंग मिरर। तो लेट्स सी कि कैसा बना और आपको कैसा लगा ये हेयर स्टाइल, प्लीज़ टेल मी। एंड या विदाउट यूजिंग एनी डांस लेट्स गेट started। सो गाइज एज यू कैन सी आई हैव स्टार्टेड माई हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले आगे का सेक्शन लेना है, फ्रंट हेयर का थोड़ा सा सेक्शन लेना है और अगेन सेकंड सेक्शन लेके उस फर्स्ट सेक्शन में ट्विस्ट करना है। इसी तरीके से आपको एक और न्यू सेक्शन लेना है और जो लास्ट वाला सेक्शन हमने लिया था उसमें ट्विस्ट करते जाना है। आपको हर टाइम एक न्यू सेक्शन लेके लास्ट वाले सेक्शन में ट्विस्ट करना है। इसी तरीके से आपके ईयर तक के जितने भी हेयर है आपको सेक्शन लेते जाने हैं और उसमें ट्विस्ट करते जाना है। When you done with your twisting, आपको उसी ट्विस्ट को पुल करना है थोड़े हेयर को वॉल्यूमाइज्ड करने के लिए। जब आप अच्छे तरीके से पुल कर ले तो आपको इसे पीछे ले जाकर हेयर के अंदर आप बॉबी पिन से अच्छे तरीके से उसे पिन अप कर ले और वहीं पे टाई कर दें। अब आपको अपने सारे हेयर को लेफ़्ट साइड में ले लेना है और यहाँ पे आपको बनाना है 3 स्ट्रैंड ब्रेड। तो आपको 3 इक्वल सेक्शन करने हैं और उसके बाद आप एक अच्छी सी प्यारी सी जो चोटी होती है वो बना लीजिए। एंड गाइज मेरे सामने जो लोग बैठे थे दे आर स्टेयरिंग भी एंड दे आर वंडरिंग कि ये क्या कर रही है और ये कैमरा के सामने क्यों हेयर स्टाइल बना रही है। तो या और जैसे ही आपका चोटी या डन विथ योर चोटी सो आपको सिर्फ पुल करना है और मेक श्योर करें आपको सिर्फ एक साइड से पुल करना है गाइस, दोनों साइड से नहीं, सिर्फ एक साइड से ही आपको पुल करना है आपका हेयर। और उसके बाद आप रबर बैंड से टाई कर लें अपने लाइक चोटी को। एंड ये जो था गाइस मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छे तरीके से सिर्फ एक साइड पुल करना है, मेक श्योर दैट। अब आपको आपकी चोटी लेनी है और आपके जिस जहाँ पे आप लोबन बनाते हैं वहीं पे आपको एक राउंड बनाना है। इस तरीके से आपको राउंड बनाना है। आई नो गाइज आपको शायद कहीं ना कहीं क्लियर नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ दी लाइट, लाइक ट्रेन चल रही है तो लाइट कम और ज़्यादा हो रहा है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट था हेयर स्टाइल। सो हाँ, आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे राउंड करना है। 1 राउंड जैसे आपने देखा मैंने किया और वहीं पे बॉबी पिन से मैंने फिक्स कर लिया। सेकंड जो आपका सेकंड राउंड जितनी भी लंबी चोटी आपकी बनी है उतना राउंड आप बना लें और जो एंड का जो है चोटी का जो एंड है उसे अंदर की तरफ फिक्स कर दें और अच्छे तरीके से पकड़ के आप यू पिन, बॉबी पिन, और मैं फिर यही बोलूँगी कि बॉबी पिन का ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि बॉबी पिन अच्छे तरीके से आपका जो हेयर है वो फिक्स कर देगा और यू पिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से फिक्स कर लें और आप देखेंगे वो एक रोज़ टाइप बन जाता है, बहुत ही प्यारा बनता है गाइज़ ये। एंड मैंने यहाँ पर ज़्यादा कट नहीं किया है इस वीडियो में। एंड एज यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा हिल रहा है कैमरा बिकॉज ऑफ द ट्रेन बहुत ज़्यादा हिल रही है। तो ये है फाइनल लुक। एंड गाइज यहाँ पे बाल जो मेरे थोड़े मैसी दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हवा आ रही थी उस वजह से वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे ये बहुत ही प्यारा लगता है गाइज। एज यू कैन सी अगर वो हेयर मैस नहीं हुआ है तो ये कितना प्यारा दिख रहा है। एंड ये हेयर स्टाइल आप पार्टी में गाउन अगर आप वेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही प्रिटी, डिसेंट और बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये जो डिफरेंट चैलेंज था मैंने किया वो आपको पसंद आया हो। एंड गाइज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। आपके पास भी कुछ अलग ऐसे आइडियाज़ हैं हेयर स्टाइल के, कुछ चैलेंजिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।